हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम किसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें नहीं करने वाले, हम बात करने वाले एक आईपीओ से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि अभी बर्गर किंग का आईपीओ आया है। ओके, बर्गर किंग के आईपीओ कल की डेट में आपको पता भी चल जाएगा, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे लास्ट में। बट बिफोर दैट मैं आपसे जिस आईपीओ से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन आईपीओ है, उसके बारे में हम सारी डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरा सपोर्ट बढ़ा देता है। एज वेल एज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप डीमैट अकाउंट तो आप एंजल ब्रोकिंग से करा सकते हैं। यहाँ पर मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, और जीरो डिलीवरी चार्जेस है, और बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है इनका। तो सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन, और बहुत पुराना एंजल ब्रोकिंग है ही, आपको पता भी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस आईपीओ से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं ना, उसका नाम बता देता हूँ। तो नाम है मिसेस बैक्टर्स क्रेमिका। मिसेस बैक्टर्स के नाम से बहुत बड़ा फेमस है। तो देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए, द बैक्टर्स क्रेमिका, ये जो एक प्रोडक्ट है, क्या काम करता है। तो इसका जो आईपीओ आने वाला है, बहुत बेहतरीन आईपीओ वो शायद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बर्गर किंग का आईपीओ आज, जैसे कि आपको 150% बूमिंग दिखाई है, 150% तक ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ऐसे ही ये बैक्टर्स क्रेमिका, तो और इन दोनों का एक रिलेशन भी है, तो उस रिलेशन के रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसे कि मिसेस बैक्टर्स क्रेमिका है, ये कुकीज़ बनाती है, बिस्किट बनाती है, बंस बनाती है, एज वेल एज ब्रेड्स बनाती है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपने खाया भी होगा, आपको मार्केट में अवेलेबल भी है नॉर्थ इंडिया एंड ऑल ओवर द कंट्री, और एक्सपोर्ट भी करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रीम्स के बिस्किट, क्रैकर्स, हेल्दी कुकीज़ बिस्किट यहाँ पर, ओके, यहाँ पर बटर बाइट बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट, एज वेल एज इनका इंग्लिश ओवन नाम से आपको बेक बन मिल जाएंगे, आपको ब्रेड मिल जाएंगे, ब्राउन ब्रेड एज वेल एज वाइट ब्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। किस नाम से? इंग्लिश ओवन नाम से। तो काफ़ी बेहतरीन इनका हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, ओके। और बात की जाए तो ये मिसेज ये रजनी बैक्टर हैं, इन्होंने ही ये कंपनी इस्टेब्लिश करी है, यही फाउंडर है। तो इन्हीं के नाम से, मिसेज बैक्टर के नाम से, ये मिसेज बैक्टर या क्रेमिका के नाम से ये आपको बिस्किट या डिफरेंट डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हुए मिल जाएंगे। तो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो वो सारी चर्चा करेंगे, ओके। कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं उनके, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी फेमस प्रोडक्ट्स भी है। तो इनका आईपीओ आने वाला है, कब आने वाला है, वो सब चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले तो देख लीजिए कि मिसेस बैक्टर जो स्पेशल लिमिटेड आईपीओ है, क्या है। देखिए, इनकॉर्पोरेट इन 1995, मिसेस बैक्टर फूड स्पेशल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द प्रीमियम बेकरी सेगमेंट। मतलब बेकरी सेगमेंट मीन्स वॉट, कि आपका बनेगा, आपका पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो बनेगा, एज वेल एज अगर हम बात करें बर्गर आप खाते हैं, तो बर्गर में जो बंस होते हैं वो यही बनाते हैं। देखिए, ब्रेड बंस, पिज़्ज़ा बेक, केक्स, तो बहुत सारे, एज वेल एज बिस्किट में कुकीज़, क्रीम्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो बिस्किट्स आते हैं, सब में ये पार्टिसिपेट करते हैं। आपको पता है, देखिए, पार्ले जी हमारे देश का ही बिस्किट है, एज वेल एज ब्रिटानिया, वो भी हमारे देश का एक बिस्किट है। तो अब बट मार्केट में अभी तक लिस्ट कौन सा है? ब्रिटानिया। आपको पता ही है, बहुत बेहतरीन शेयर है, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, ऊपर लिंक दे दूंगा, आपको पता चल जाएगी। एज वेल एज अब दूसरा आईपीओ आ रहा है, इसी बिल्कुल सेम सिमिलरिटी दिखाई देगी। किस नाम से? मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशल लिमिटेड आईपीओ, तो इसका है। तो ये कुकीज़ एज वेल एज बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो इनके प्रोडक्ट्स है, ओके, किस मिसेस बैक्टर क्रेमिका के नाम से या इंग्लिश ओवन के नाम से आपको मिल जाएंगे मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, ओके, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे। और लगभग कितने 384 इनके बिस्किट के सेगमेंट हैज़ टोटल 384 आइटम्स है, 96 प्रोडक्ट्स है, ओके, इट्स हैज़ अ बेकरी सेगमेंट हैज़ अ टोटल 96 प्रोडक्ट, एंड द बिस्किट सेगमेंट हैज़ अ टोटल ऑफ 384 आइटम्स। मतलब बिस्किट में 384 आइटम्स है, और बेकरी की बात की जाए तो लगभग 96 बेकरी के आइटम्स यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर बात करें, देखिए, मैन्युफैक्चरर्स की, तो ये इन हाउस होता है सब कुछ, और कहाँ कहाँ होता है, 5 डिफरेंट सिटीज़ में, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। द कंपनी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क,
154 सुपर स्टॉक लिस्ट एंड 644 डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर प्रोडक्ट, मतलब एवरीथिंग, मतलब रिटेल आउटलेट कितना है, 4,58,000 रिटेल आउटलेट। तो मतलब सब कुछ आप देखेंगे ना, तो सब कुछ इनका बहुत वेल प्लान्ड है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, कंपनी बहुत बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है इनका। इट्स सेल्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ 23 स्टेट्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में भी 23 स्टेट्स में ये जाता है, और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो लगभग 64 कंपनीज में, ओके, थर्ड पार्टी प्राइवेट लेबल टू 64 कंट्रीज, और इन्हीं के नाम से आपको 24 कंट्री में, सॉरी 64 कंट्रीज में 64 कंपनी में यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। तो बात करें इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की, तो यहाँ पर आपको देखेगा ए लीडर इन बिस्किट एंड बेकरी सेगमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ओके, जैसे दिल्ली और NCR में यहाँ पर ये लीड करता हुआ नज़र आता है। वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया इतने सारे प्रोडक्ट्स है, 96 तरीके के इनके यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मेजर फूड सर्टिफिकेट, यहाँ पर फूड सर्टिफिकेट, वही सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। 64 कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट है, तो सब कुछ अच्छा यहाँ पर वही आपको बताया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पर आपके सामने हैं। टोटल एसेट की बात की जाए तो देखिए 2018 में लगभग 5110 करोड़ रुपए के यहाँ पर, सॉरी मिलियन से रुपीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, 5110 मिलियन रुपीज़ 2018 में इनका टोटल एसेट था, जो बढ़ के 5770 हुआ। फिर थोड़ा सा गिरावट आई मार्च में, जो मार्च में आपको पता है गिरावट क्यों आई है, पैंडामिक की वजह से 5657, ओके, एज वेल एज अगर यहाँ पर जून की बात की जाए तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेस पे। टोटल एसेट लगभग 5947 यहाँ पर नज़र आ रही है। तो टोटल रिवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू भी कंटिन्यूस इनका बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, 6957, 7860, 7649 ये मार्च का है, और एक क्वार्टर उसके अगले क्वार्टर की बात करें तो 2037 का यहाँ पर मिलियन रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू नज़र आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट घटता हुआ हमें नज़र आ रहा है, 2018 में 358 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, फिर 331, फिर 304, और अभी लगभग इसको केवल इसी क्वार्टर की बात कर रहा हूँ 158 करोड़ मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नज़र आ रहा है। तो बैलेंस शीट मतलब अगर बात की जाए यहाँ पर फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है, और बाकी अभी डिटेल्स पूरी आई नहीं है, और डिटेल्स आएगी तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा, बट इसका IPO आ रहा है तो पैसा तैयार रखना है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, द फंड रेज थ्रू द वेक्टर्स IPO, तो क्या किस वजह से ये IPO ला रहे हैं, देखिए टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, और इनका प्रोजेक्ट है राजपुरा एक्सपेंशन, ओके, उसके लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत है, एज वेल एज जो जनरल इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है टू ग्रो द कंपनी, वही सब चीज़ के लिए इन्हें IPO ला रहे हैं। IPO की डेट, ओके, क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेट अभी कुछ आया नहीं है, फेस वैल्यू 10 रहेगी, जब आएगी इसकी IPO का पूरी डिटेल्स आ जाएगी तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। एज वेल एज अगर बात करें तो BSE NSE दोनों जगह लिस्ट होगी। 550 करोड़ रुपए का लगभग इनका IPO आने वाला है यहाँ पर, ओके, तो 550 करोड़ रुपए का 10 रुपए के फेस वैल्यू के साथ यहाँ पर IPO को उतारा जाएगा। बट अभी और भी कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं इनके IPO से रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा कि बर्गर किंग, देखिए बर्गर किंग और मैकडोनल्ड दो ऐसे जिनमें बन लगता है, आप बर्गर खाते हैं, ओके, मैकडोनल्ड और बर्गर किंग में जाके, तो इन्हीं के ही मिसेस बैक्टर के ही प्रोडक्ट वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए मिसेस बैक्टर स्पेशलिटी है प्रीमियम बिस्किट मेकर एंड द लीडर सप्लायर ऑफ बंस ऑफ फास्ट फूड चेन सच एज बर्गर किंग एंड द मैकडोनल्ड, तो मतलब बर्गर किंग और मैकडोनल्ड में जो आप बन खाते हैं, ओके, वो बंस कहाँ से डिलीवर किए जाते हैं इन्हें, ये मिसेस बैक्टर्स के थ्रू ही डिलीवर किए जाते हैं। तो IPO कह रहे हैं कि दिसंबर में आ जाएगा, बट अभी कोई टेंटेटिव डेट आई नहीं है, बट जैसे ही आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली इससे रिलेटेड बता दूंगा। जैसे कि आपको पता ही है बर्गर किंग और इसका रिलेशन है, तो बर्गर किंग कितना 157 टाइम्स यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया था, काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा है, बट किसके क्या लिस्ट होगा वो अभी देखने 14 तारीख को हमें पता चल जाएगी। एज वेल एज जब अगर बात करें हम यहाँ पर कि बर्गर किंग का जो IPO है वो अभी आया है कि नहीं, देखिए लिंकिन साइट, ये लिंकिन टाइम साइट है, यहाँ पर अभी कुछ डिटेल्स नहीं दे रखी, कल की डेट में यहाँ पर डिटेल्स दे डाल दी जाएगी, तो यहाँ पर आपका शाम तक आके यहाँ पर देख लेना लिंकिन टाइम, एज वेल एज BSE की साइट पर भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। बट अभी यहाँ पर बर्गर किंग दिखा रहा है, बट मैंने चेक किया था तो ऐसा कोई डिटेल्स नहीं, क्योंकि कल की डेट में यहाँ पर डिटेल्स पूरी की पूरी आएगी, कल पता चल जाएगा आपको
बर्गर किंग का आईपीओ मिला है कि या नहीं, क्योंकि 10% ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर सब चीज़ थी। तो ये है बर्गर किंग से रिलेटेड और मिसेस बैक्टर से रिलेटेड मैंने आपको थोड़ी बहुत न्यूज़ दे दी है। बाकी जैसे ही सारी डिटेल्स आएगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आपको मिलेगी, आप कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।